हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN कंप्यूटर एजुकेशन में। लास्ट वीडियोस में हमने टैली में जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखा था और आज इस वीडियो में हम उन जनरल एंट्रीज की रिपोर्ट को देखना सीखेंगे। यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन प्रतिदिन होने वाले एंट्री को देखने के लिए टैली में एक अलग से ऑप्शन दिया जाता है जिसे डे बुक कहते हैं। इस डे बुक का प्रयोग करके हम रोज होने वाले एंट्रीज को देख सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से फीचर्स आपको वहां पर मिलेंगे जिनका प्रयोग आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो डे बुक में जाने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑप्शन में डिस्प्ले नाम का सब ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आप डिस्प्ले मेनू में आ जाओगे। डिस्प्ले मेनू में दूसरा ऑप्शन डे बुक का है, तो डे बुक पे चले जाते हैं या डी प्रेस कर देते हैं। तो जब आप डे बुक पे आ जाओगे तो आपको इस स्क्रीन पर आपकी सारी एंट्रीज दिख जाएंगी जो एंट्रीज आपने किया होगा। हम यहाँ पर अवेलेबल फीचर्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहला फीचर है F1 डिटेल। F1 के नीचे एक लाइन आपको दिख रहा होगा। इस लाइन का मतलब है कि F1 के साथ आपको ऑल्ट प्रेस करना है। अगर वही दो लाइन होता तो इसका मतलब होता कि F1 के साथ आपको कंट्रोल प्रेस करना है। यदि कोई लाइन नहीं होता इसका मतलब होता कि आप केवल F1 प्रेस करो और डिटेल व्यू में चले जाओगे। लेकिन हमें यहाँ पर अल्ट F1 प्रेस करना है क्योंकि एक लाइन है। तो मैं यहाँ से अल्ट F1 प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये डिटेल व्यू में आपका एंट्री आ गया। डिटेल व्यू का मतलब ये होता है कि आप एक एंट्री को करते समय जितने भी अकाउंट को इफेक्ट कराते हो सारे अकाउंट यहाँ पर आपको दिखते हैं। जैसे पहले एंट्री में आपको बैंक और कैश दिख रहा है, दूसरे में कंप्यूटर टू कैश, यानी सारे अकाउंट यहाँ पर आपको शो होंगे। आप वापस से कंडेंस व्यू करना चाहते हो तो फिर वही अल्ट F1 देख रहे होगे आप यहाँ पे। उसके बाद है डेट F2, कोई लाइन नहीं यानी F2 प्रेस होगा। डेट का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर देख रहे होगे कि केवल यहाँ पर 2-6 की एंट्री दिख रही है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड की एंट्री दिखे। मैंने लगभग सारी एंट्री 2 तारीख को की इसलिए 2 तारीख की एंट्री दिख रही है। यहाँ पर सारी एंट्री भी दिख सकती है। यदि आपसे कोई बोले कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट की एंट्री केवल देखनी है, जैसे मुझसे बोला गया कि मुझे केवल 1 तारीख की एंट्री दिखाओ, इस जगह पे मुझे केवल 1 तारीख की एंट्री चाहिए और कोई एंट्री नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली F2 प्रेस करूंगा और जो भी डेट मुझसे बोला गया है या जो भी डेट मुझे देखना है मैं वो डेट यहाँ पर टाइप कर दूंगा। 1/6/2020। तो आप देख रहे होंगे कि एक एंट्री यहाँ पर है 1 तारीख को, और कोई एंट्री 1 तारीख को होती तो सारी एंट्री यहाँ पर आपको शो होती। अब मैं वापस पूरी एंट्री लानी चाहता हूँ, जितनी एंट्री है सारी एंट्री आ जाए, तो मैं वापस से F2 प्रेस करूँगा और यहाँ से आप डेट को हटा ही दो। डेट को हटाने का मतलब है कि भाई जितनी एंट्री इस पीरियड में है सारी एंट्री दिखाओ, तो और उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, सारी एंट्री खुल जाएगी। 1 से लेकर 2 तारीख में एंट्री हुई है तो खाली 1-2 की एंट्री दिख रही है। इसके अलावा आप और एंट्री क्यों होते तो वो भी दिखते। तो F2 क्लियर हो गया होगा। अगला है अल्ट F2 पीरियड। पीरियड मतलब एक विशेष अवधि, यानी किसी विशेष अवधि का आप लेन देन देखना चाहते हो तो अल्ट F2 यानी पीरियड प्रेस करो। जैसे मुझसे 1 अप्रैल से लेकर 1 मई की एंट्री देखनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे अल्ट F2 प्रेस करूँगा और फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020, टू में 1 मई 2020। कोई एंट्री नहीं है क्योंकि मेरी एंट्री सारी जून में है। तो फिर से मैं वापस करता हूँ अल्ट F2 1/6 से 1/7 तक देख लेता हूँ तो एंट्री सारी आ गई।
यानी ऐप टू से आप किसी पर्टिकुलर डेट का देख सकते हो और ऐप टू से किसी पर्टिकुलर पीरियड का। अगला है ऐप फोर चेंज वाउचर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे वाउचर की एंट्री दिख रही है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वाउचर देखना है तो मैं सिंपली ऐप फोर प्रेस करूँगा और जो भी वाउचर मुझे देखना है मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे केवल पेमेंट देखना है तो मैं यहाँ से पेमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो सारी पेमेंट की एंट्री खुल जाएगी। अब मैं वापस लाना चाहता हूँ तो फिर से ऐप फोर प्रेस करता हूँ और ऑल आइटम पे क्लिक कर दूंगा। ऑल आइटम यानी सारे वाउचर देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी वाउचर पर्टिकुलरली देख सकते हो। इसके अलावा ये सब सारे शॉर्टकट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे है क्विट, उसके बगल में लिखा है क्यू, उसके नीचे डबल लाइन है, ध्यान से देखिए दो लाइन है। इसका मतलब कंट्रोल क्यू आप प्रेस करोगे तो क्विट हो जाएगा, यानी वापस पीछे चले जाओगे। तो आप कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, वापस पीछे आ गए, मैं वापस चलता हूँ वहाँ पर और ऐप टू प्रेस करके डेट को हटा देता हूँ। यहाँ से सारी एंट्री वापस आ गई। इंटर से अल्टर होता है, यानी अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, जैसे मुझे इस एंट्री में कंट्रा में कोई चेंजेस करनी है, अमाउंट गड़बड़ी हो गई है तो मैं अमाउंट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस एंट्री को आपके इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट चेंज कर लो, उसी तरह फिर से एक्सेप्ट कर लो जैसे हमने लास्ट बार एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर इसको 12 नोट कर देता हूँ, 1000 का 500 का 2 कर देता हूँ। अब हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, स्केप कर लेना। यानी इंटर से आप अल्टर कर सकते हो, इंटर करो उसके बाद आप जैसे चेंज करना चाहते हो करो। उसके बाद का ऑप्शन है डिलीट अल्ट डी, यानी आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो तो उस एंट्री पर आ जाओ, अल्ट डी प्रेस करो, इंटर करो, डिलीट हो गया। अगला है कैंसिल, यानी जो वाउचर आप कैंसिल करना चाहते हो। कभी कभी कुछ एंट्री कैंसिल हो जाती है, कभी कभी कोई इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, तो इस इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए आप सिंपली उस इनवॉइस यानी उस एंट्री पर आ जाओ और अल्ट एक्स के साथ आप उसे कैंसिल कर दो। तो इससे क्या हुआ, एंट्री गायब हो गई, एंट्री इफेक्ट में नहीं आई, लेकिन जो वाउचर नंबर था पेमेंट का, यानी ये दो नंबर ये अवेलेबल रहेगा, यानी अब दो नंबर ये किसी को और अलॉट नहीं करेगा। डिलीट करने और कैंसिल करने में यही अंतर है कि डिलीट करोगे तो दो नंबर भी गायब हो जाएगा, यानी दो नंबर अगले को अलॉट होगा अगले एंट्री में। कैंसिल में ये होगा कि आप दो नंबर को अब अलॉट नहीं कर सकते, यानी दो नंबर कैंसिल में पड़ा रहेगा। उसके बाद है डुप्लीकेट, यानी होता क्या है कि बहुत सी ऐसी एंट्री होती है जो हमेशा हमें करनी होती है, वही रेंट देना होता है हर महीने, हम बार बार क्यों एंट्री करें भाई उसको। तो इसके लिए कुछ फीचर दिया गया है कि आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए अल्ट टू के साथ। जैसे मैंने अल्ट टू प्रेस किया तुरंत वो एंट्री डुप्लीकेट हो गई। अब अगर डेट चेंज हुआ है तो डेट चेंज कर लो, डेट चेंज हुआ है तो मैंने डेट चेंज कर लिया, एक साथ कर दिया। अमाउंट भी चेंज हुआ तो अमाउंट चेंज कर लो, उसके बाद वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। तो अब आप नीचे देख सकते हो कि एक रेंट की एंट्री नीचे भी एक साथ को आ गई है। अगला है ऐड वाउचर। ऐड वाउचर का मतलब है कि यहीं से एक वाउचर ऐड कर लेना। कभी कभी कुछ एंट्रीज हम भूल जाते हैं तो मैं चाहता हूँ यहीं से एंट्री वापस करना। एक एंट्री करने के लिए कौन पीछे जाएगा और वाउचर में जाएगा, तो इससे अच्छा मैं यहीं से कर लूँ। इसके लिए आप ऑल्ट ए प्रेस करोगे तो एक वाउचर खुल जाएगा। अब यहीं से आप एंट्री करके एक्सेप्ट कर लो। जैसे मुझे एंट्री करनी है सैलरी की, मैं कर देता हूँ सैलरी की, 2500 कुछ भी अमाउंट डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आप नीचे आप देख सकते हो कि सैलरी आ गई। अल्ट टू से डुप्लीकेट होता है, अल्ट ए से नया वाउचर आता है, उसमें एंट्री आप कोई भी कर सकते हो। अल्ट आई भी वही काम करता है, इंसर्ट करता है वाउचर को, यानी वही ऐड वाला वाउचर काम करता है, आप देख सकते हो। उसके बाद है रिमूव लाइन। रिमूव लाइन मीन्स हाइड, हाइड करना, छुपाना। तो जैसे मुझे कुछ एंट्रियाँ हाइड करनी है तो मैं यहाँ पे उस लाइन पर आ गया जैसे, और उसके बाद कंट्रोल सॉरी अल्ट आर प्रेस किया। अब आप देख रहे हो कंप्यूटर वाली एंट्री गायब। आप किसी भी एंट्री कर सकते हो, बीच से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कोई भी एंट्री हाइड कर सकते हो।
वापस लाना है आरटीओ। तो कुछ एंट्री और भी ऐड करता हूँ, अल्टार 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 करके मैंने 4-5 एंट्री ऐड कर दी। आप एक एक लाइन वापस लाना है तो अल्ट यू, सारे एक साथ वापस लानी है तो कंट्रोल यू। उसके बाद है सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट करना है कोई एंट्री तो स्पेस से आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेस से अनसेलेक्ट, स्पेस से सेलेक्ट, स्पेस से अनसेलेक्ट, स्पेस से अनसेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल स्पेस, सारा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। क्लियर है? यानी स्पेस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें 3-4 एंट्री एक साथ डिलीट करनी हो, जैसे मुझे ये भी करना है, ये करना है, ये करना है। अब मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ऑल डी प्रेस कर दूंगा, एंटर करूंगा, डिलीट हो जाएगा भाई। इसी से कंट्रोल स्पेस से आप सारी एंट्री को डिलीट कर सकते हो एक बार में, कंट्रोल स्पेस से अनसेलेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डेबुक के जितने भी फीचर्स थे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग आगे की वीडियो में आगे की टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।